ये देखिए हम ये किला कितनी हाइट पर बना है, आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं नीचे नौणी है, नौणी विश्वविद्यालय। और यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे ना, कमज़ोर दिल वाला तो डर ही जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शुभम सुंदरम। गाइज मैं हूँ तरुण शर्मा। आपने जंग बहादुर राणा का नाम तो सुना ही होगा, जो नेपाल के राजा थे, जिनका समय 1816 और 1877 का है। इस जंग बहादुर राणा ने लड़ाई करके जीत भी हासिल की थी। जंग बहादुर राणा हमारे हिमाचल प्रदेश सोलन जिले में भी आए थे। बात आज के 100 साल पहले की है। धारों के धार यहाँ पर एक जगह है, जहाँ पर जंग बहादुर राणा ने आज से 100 साल पहले एक किला बनाया था। ये एक रात में पूरा तैयार कर लिया गया था, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं और ऐसा बताते हैं। किले के निर्माण में जो पत्थर लगा है वो बड़ोग से एक ही रात में लाया गया था। जंग बहादुर राणा ने वहाँ पर एक खजाना भी छुपाया था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। गाइस आज हम आपको वो किला दिखाएंगे। इस समय मैं ड्यारक बुखार जौनाजी गांव में हूँ, और यहाँ से वो किला 3-4 किलोमीटर दूर है। गाइस आज के ब्लॉग में हम आपको वो किला दिखाएंगे, और आप हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ से वो किला काफ़ी दूर है, तो हमको जंगल के रास्तों से जाना पड़ेगा। तो गाइस मेरे साथ और भी यहाँ कुछ लोग हैं, तो अब हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और आपको भी दिखाते जाएंगे कि रास्ते में क्या क्या है। तो गाइज आइए चलिए देखते हैं। गाइज हमें सामने पहाड़ी पर पहुंचना है। गाइज ये लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, शायद इनको यहाँ पर कुछ मिला है। तो गाइज रास्ते में जाते हुए हमें एक काफल का पेड़ भी मिला। काफल तो आप जानते ही होंगे, जो पेड़ में लगते हैं और लाल लाल से होते हैं और खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो रास्ते में हमें पेड़ मिला, तो हम लोग खाए बिना ना रह सके, तो हमने काफल खाए और फिर हम आगे की ओर चल पड़े। तो गाइज आगे चलते हैं, देखते हैं हमें रास्ते में और क्या क्या मिलता है। Thank you.
तो गाइज चलते चलते हम काफ़ी थक गए थे, तो रास्ते में हमने सोचा कि हम लोग बैठ के आराम कर लेते हैं, फिर आगे का सफ़र हम तय करेंगे। तो गाइज हमने थोड़ा आराम किया और फिर उसके बाद हम फिर चल पड़े। तो गाइज आगे फिर देखते हैं हमें रास्ते में क्या क्या मिलता है। गाइज जैसे ही हम यहाँ जंगल में पहुँचे तो यहाँ पर हमें एक खंडहर मिला। तो जो हमारे साथ में थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बाबा जी रहते थे और काफ़ी साल उन्होंने यहाँ पर अपना समय बिताया है और बाद में यह खंडहर टूट गया था। तो गाइज ये इतना भयंकर जंगल है, यहाँ पर तेंदुआ और बड़े बड़े शेर जानवर रहते हैं, फिर भी इस जंगल में वो बाबा जी रहते थे। तो गाइज हम लोग भी यहाँ से अब चल पड़े हैं और डर भी लग रहा है, तो आइए देखते हैं हमें रास्ते में और क्या क्या मिलता है। तो गाइज हमने यह घना जंगल पार किया जो बहुत बड़ा था और इसमें पेड़ ही पेड़ है चील के, और यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। हम इसको पार करके आगे निकल चुके हैं और रास्ते में हमें एक बहुत बड़ी चट्टान भी मिली है। तो गाइज आइए आगे देखते हैं। तो गाइज काफ़ी दूर चलने के बाद हमें एक यहाँ पर गुफा मिली जिसके अंदर तेंदुआ रहता है और शेर रहता है। तो गाइज हम लोग यहाँ से जल्दी ही आगे निकल पड़े। तो गाइज हम लोगों को लग गई थी भूख, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो हम लोग साथ में खाने पीने का सामान लेके आए थे, चिप्स कुरकुरे बिस्कुट आदि, और हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम किया और जो भी हमने साथ में लाया था वो हमने खाया पिया और काफ़ी देर हमने बातचीत की और काफ़ी हम थक भी चुके थे। तो हमने सोचा कि इसको भी कैमरे में कैप्चर कर लिया जाए। तो गाइज थोड़ी देर हम आराम करने के बाद फिर आगे चल पड़े हैं। तो गाइज आगे थोड़ा सा ही सफ़र हमारा रह चुका है, तो देखते हैं हमें आगे और क्या क्या मिलता है। तो गाइज यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है और किला अब थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ होने के कारण आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है और शूट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है और किला नज़दीक ही है हमारे, ये आप देख रहे होंगे, ये सामने आपको किला दिखाई दिया। तो गाइज थोड़ा सा बारिश को धीमा होने देते हैं, फिर चलते हैं।
तो गाइज देखिए हम यहाँ पर पहुँच ही चुके हैं और ये है वो किला जहाँ पर हम आए हैं। और ये देखिए फाइनली मौसम ख़राब हो गया था तो हमने बीच में शूटिंग रोक दी थी। तो गाइज देखिए हम काफ़ी परिश्रम करने के बाद यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आइए हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये नीचे से इतनी दूर से हम लोग चल के आए हैं। ये नीचे का व्यू है गाइज। एक ही रात में इस किले का पत्थर बड़ोग से लाकर सैनिकों द्वारा इस किले का निर्माण एक ही रात में किया गया था। फाइनली हम जंग बहादुर राणा के उस किले के पास पहुंच ही चुके हैं। हम 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर पे यहां पर पहुंचे हैं और अभी बारिश भी हो रही थी और अब जाके मौसम साफ हुआ है। अब हम किले के अंदर आपको सब कुछ दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ जेल भी है, एक कुआँ भी है। तो जो जंग बहादुर राणा थे उन्होंने ये किला कैसे कैसे बनाया और ये किला कैसा है। और आज से कम 100 साल पुराना ये किला है और आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं, लेके अंदर चलते हैं। ये है वो गेट, आइए अंदर चलते हैं। ये है वो गेट, आपको दिखाते हैं। ये देखिए वो अंदर का किला, ये दिखाते हैं हम। ये देखिए गाइस ये यहाँ पर क्या है। ये देखिए यहाँ पर ये किला बनाया था जंग बहादुर राणा ने। ये देखिए गाइस ये किला, और यहाँ पे जेल भी है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर उसके सैनिक यहाँ पर रहते थे गाइस। इसके अंदर में आगे आप देखिए कितना गोल गोल बना हुआ है ये। वो देखिए ऊपर को, अभी तो मैं कोने में आया हूँ। चलो अंदर देखते हैं क्या क्या है, सरप्राइज क्या क्या मिलता है हमारे को। और गाइज ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पर जंग बहादुर राणा ने क्या बोलते खजाना भी छुपाया था। गाइज देखिए यहाँ पर एक और हमें दरवाज़ा मिला है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। ओ देखिए गाइज यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जेल जैसी है। ये तो कुछ जेल जैसी है, देखिए गाइज आप देख सकते हैं यहाँ कुछ छेद जैसे हैं ये बने हुए हैं। ये देखिए गाइस ये पुराने ज़माने की 100 साल पहले ये जंग बहादुर राणा ने बनाया था। वही जंग बहादुर राणा जिन्होंने अंग्रेज़ों को भी हराया था। आज को चलते हैं यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ओ गाइस देखो इस किले में यहाँ तो पेड़ पुड़ लग चुके हैं, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है गाइज। ये देखिए यहाँ पर कहते हैं ना, ये तो पूरा जंगल ही बन गया है। देखिए इसके ऊपर किले के ऊपर घास घूस उग गया है। अगर आदमी ना रहे अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है। तो गाइज देखिए ये हम आ गए अंदर और देखिए यहाँ पर कितने दरवाजे हैं। और गाइज ये देखो यहाँ पर कितना बड़ा कुआं है। ओह गाइज देख सकते हैं आप ये कुआं, ये पता नहीं कितना गहरा होगा और मेरे को तो डर भी लग रहा है अगर इसके अंदर गिर गए तो निकलना भी मुश्किल होगा। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुआं, ये चारों तरफ ये दीवारें ही दीवारें हैं और ये कुआं यहाँ पर जंग बहादुर राणा ने बनवाया है। अब ये कुआं क्यों बनवाया है अब इसका कोई पता नहीं। ये देखिए गाइस ये कुआं देखिए गाइस, और यहाँ पे देखिए घास उग चुकी है। ये जो हमारे साथ आए थे ऊपर छत पे बैठे हुए, देखिए ये देखिए गाइस, देखिए यहाँ पर ये गाइस, ये देखिए गाइस वो कुआं मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये कुआं ये देखिए कितना गहरा है, ये कुआं बहुत ही गहरा है गाइस। मैं कैमरा ही अंदर कर रहा हूँ, देख लो गाइस देखने में भी डर लग रहा है इसके अंदर। गाइस जी ये है दूसरा गेट, इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पाइप जैसी भी लगी है और देखिए ये गाइस यहाँ पे भी ऐसी कुछ दीवारें बनी हुई हैं। और देखिए ये इसका दरवाज़ा, ये देखिए गाइस ये हम ऊपर जा चुके हैं और मैं भी
ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ और ऊपर से दिखाता हूँ आपको गाइस, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो देखिए गाइस सीढ़ियाँ भी है इसके ऊपर, वाह वेरी ब्यूटीफुल गाइस, वाह गाइस वाह। ये देखिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मस्त जगह है। ये देखिए यहाँ चारों तरफ कुएं बने हुए हैं, ये देखिए इसके अंदर जो है मेरे ख्याल से सैनिक रहते थे। ये देखिए गाइस कैसे लग रहा है ऊपर, हम इस समय छत पे आ चुके हैं, वाह। ये देखिए गाइस दूसरा कुआं ले चलता हूँ मैं, इस समय किले के ऊपर हूँ गाइस और किले के ऊपर चल रहा हूँ मैं। ये देखिए गाइस ये दूसरा कुआं, ये चारों तरफ कुएं जो किला बना हुआ है, ये देखिए गाइस ये देखिए, और यहाँ पर जंगली जंगल है, ना कोई यहाँ घर है ना कुछ नहीं। ये मैं आपको तीसरा कुआं दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस तीसरा वो कुआं, ये देखिए इसके ऊपर की छत अभी सलामत है, तो मुझे लगता है कि शायद छत जो है सब जगह होनी चाहिए। ये देखिए इसकी छत तो यहाँ पर सही सलामत है, और डर भी लग रहा है गाइस कहीं कच्ची ना हो और मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ। ये देखिए गाइस अब मैं आपको तीसरा, चार कोने हैं इसके, चारों कोनों में कुएं बने हैं, अब इसका क्या राज हो सकता है, इसको किस विधि से बनाया गया होगा नो आइडिया, लेकिन है बहुत अच्छी जगह। ये देखिए गाइस ये है वो चौथा कुआं, चारों तरफ यहाँ कुएं ही कुएं हैं। देखिए गाइस ये देखिए गाइस अब मैं आ गया हूँ निचली तरफ, वो देखिए गाइस ये है वो किला। और बीच में है वो कुआं जो मैं आपको दिखा रहा था, मैं भी बीच में जाके फिर ऊपर से आपको दिखाता हूँ। गाइस डर लग रहा है यहाँ से देखने को, तो इसको मेरे को डर ही लग रहा है। तेरा वाला गाइस कितनी हाइट पे है, ये देखिए हम ये किला कितनी हाइट पर बना है, आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं नीचे नौणी है, नौणी विश्वविद्यालय, और यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे ना कमज़ोर दिल वाला तो डर ही जाएगा, इतनी ज़्यादा हाइट पे देख लो गाइस। नीचे को सीधी खाई है, देख सकते हैं आप सीधी खाई है नीचे, ये किला से बनाया गया। और यहाँ पे आकर नेपाल से जंग बहादुर राणा ने किला बनाया था, देखिए कितनी ज़्यादा हाइट है। ये देखिए नीचे का व्यू यहाँ से, वाओ। ये देखिए गाइस चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से, ये बाहर का वो गेट जहाँ से हम प्रवेश किया था, ये देखिए वो गेट थोड़ा सा आगे तक आपको दिखाता हूँ। ये मेन गेट है गाइस जहाँ से हम अंदर प्रवेश हुए थे किले का, ये देखिए गाइस। और ये देखिए मतलब यहाँ आकर हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, और काफ़ी दूर हम यहाँ पर चल के आए हैं। तो गाइस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, और ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और ये देखो गाइस जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हूँ, अगर यहाँ से आप नीचे देखोगे कमज़ोर दिल वाला अगर आदमी होगा तो डर जाएगा, इतनी ज़्यादा हाइट है। हम 7-8 किलोमीटर चल के आए हैं बहुत नीचे से, वो नीचे से देखें, ये दूर से हम पैदल चल के आए हैं। तो गाइस ये देखिए जो हमारे साथ आए थे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब मज़े ले रहे हैं। ये हमारे साथ के जो साथ में आए थे यहाँ तक, जिन्होंने हमारा साथ दिया इस वीडियो में, इन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया,
तो ये हमारे विद्या दीदी है और ये मेरी भांजियाँ हैं दोनों। एक का नाम राधु है इसका और इसका नाम दीवू है। ये मेरा भांजा है, इसका नाम दिवांशु है। और यह भी ये दीदी के जेठानी की लड़की, इसका नाम है चंचू। और ये भी चंचू का भाई है, इसका नाम है पवन। तो गाइज, तो कैसा लगा जी आप सब लोगों को ये किला? बहुत अच्छा लगा जी। अगर आप लोगों को किला अच्छा लगा है तो गाइज एक बार सब लोग जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। बोले भारत माता की जय। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय।